हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का गुरुकुल क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस का कटअप लेके आया हूं, जो कि सबसे सटीक होगा। आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल द्वारा बिहार दरोगा में से कटअप दिया गया था, जो कि 100% एक्यूरेट हो गया था। बहुत यूट्यूब चैनल द्वारा वीडियो भी बनाया गया कि मेरे चैनल द्वारा सबसे सटीक कटअप दिया गया। आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बिहार कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, बिहार कांस्टेबल के दोनों पालियों का क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड था, जो कि कांस्टेबल लेवल का तो था ही नहीं। सोशल मीडिया पर खबर आई कि क्वेश्चन लीक हुई है और कुछ मीडिया द्वारा यह कहा गया कि क्वेश्चन लीक नहीं हुई है। अगर क्वेश्चन लीक नहीं हुई होगी तो कटअप कम जाने की संभावना है, लेकिन अगर लीक हुई होगी या सेटिंग हुआ होगा तो कटअप हाई जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पिछला बिहार कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन 1-2 घंटा पहले ही सभी के व्हाट्सएप पर आ गया था, जिसके कारण कटअप हाई चला गया था। बहुत से छात्र ऐसे थे जो दिन रात मेहनत किए थे, उनका उतना मार्क्स नहीं आ पाया, जिनके कारण उनका रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन इस पर कटअप कम जाने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन भी हार्ड था और क्वेश्चन उतना भी वायरल नहीं हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं प्रतिदिन अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के कटअप को देखते हैं, और ये कटअप पूरा सटीक होने वाला है, क्योंकि पूरी एनालिसिस करने के बाद ही मैं कटअप को बनाता हूँ। तो चलिए, पहला कैटेगरी में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में 65 से लेकर 67 तक जा सकती है। उतना कटअप नहीं जाएगा, क्योंकि ना ही उतने लेवल पर कोई वायरल हुआ है और क्वेश्चन भी हार्ड था। तो जनरल कैटेगरी में 65 से लेकर 67 तक जा सकती है। दूसरा कैटेगरी ओबीसी में, ओबीसी का कटअप 63 से लेकर 66 तक जा सकती है। और ईबीसी कैटेगरी में 60 से लेकर 62 तक जा सकती है। मिनिमम 60 तक जा सकती है और मैक्सिमम 62 तक जा सकती है। एससी कैटेगरी का कटअप बहुत ही कम जाएगा, उसका मिनिमम 57 तक जा सकता है और मैक्सिमम 60 तक जा सकता है, यानी कि 57 से 60 के बीच में उनका रिजल्ट आ जाएगा। और एससी कैटेगरी में मिनिमम 56 और मैक्सिमम 59 की कटअप जा सकती है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस कटअप को लेकर। ये कटअप पहली पाली और दूसरी पाली को मिलाकर है, और एक फाइनल कटअप भी बनेगा जब 21 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको मिलाकर, और इन दोनों को मिलाकर भी एक कटअप बनाया जाएगा, तो वो भी एक फाइनल कटअप आएगा। लेकिन इस दोनों को मिलाकर देखा जाए तो इसका यही कटअप बनेगा। आप लोग इस कटअप को अच्छे से देख लीजिए, क्या आप सभी का इस कटअप में आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो अभी से ही फिजिकल की तैयारी आप लोग अभी से ही लग जाइए, क्योंकि हो सके तो बहुत ही जल्द, क्योंकि सरकार का दबाव भी है, कोर्ट का भी दबाव है कि जल्दी से जल्दी इन लोग भर्ती को पूरा किया जाए। तो बहुत ही जल्द आप लोग सभी का फिजिकल भी की दिया जाएगा। धन्यवाद।